कुछ कहना वियर आज मेरे बेटे का आईडी कार्ड बनेगा, एक महीने बाद घर आ जाएगा या आके लेना पड़ेगा? क्यों मुंह बंद करके पिक्चर उतरवानी है? धूप निकल रही है, रुमाल वियर आपने भी बनवाना है आईडी का? व्यूअर्स मेरे प्यारो, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ, घर से नादरा ऑफिस आईडी कार्ड के ऑफिस तक। यह अब स्टेशन की साइड पे हम जा रहे हैं, लाहौर रेलवे स्टेशन आप देखेंगे हमारे लेफ्ट साइड पे, रिक्शा में वो देखें बिल्डिंग नज़र आई लाहौर स्टेशन की। हम इतने मज़े की जगह पे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कि जहाँ सब लाहौर की मशहूर जगह हैं, हिस्टोरिकल और मशहूर जगह। तो लाहौर स्टेशन के एंजॉय करें, इसका बड़ा सा वॉल क्लॉक जो बिग बैन की तरह इतना ऊपर लगा हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है। इसके राउंड पार्ट से टर्न होके यहाँ एक और मशहूर जगह है जो लाहौर का सबसे बड़ा लंडा बाज़ार कंसीडर किया जाता है। ये ऊपर ऑरेंज लाइन जंक्शन है जो लाहौर को बहुत फैसिलिटेट करता है, और ये आ गया सामने बोर्ड वाले चौक में। ये चौक का नाम है बोड़वाला चौक, और इस लेफ़्ट साइड में लंडा बाज़ार बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। मैंने भी 6-7 साल पहले एक बैग लिया था, लेकिन वो चाइना का न्यू बैग था, बड़ा खूबसूरत, जो अब तक मेरा बेटा यूज़ कर रहा है। राइट साइड में है हज कैंप, जिन लोगों ने हज के लिए जाना होता है वो ये राइट साइड में जो हज कैंप हमने लाल इंट वाला देखा था, लाल ब्रिक्स वाला, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, ये हज कैंप। और ये बोड़वाला चौक में मुख्तलिफ बजट वाले लोग अपने अपनी जेब के हिसाब से चीज़ें ख़रीद रहे हैं। बस ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, ज़िंदगी इसी का नाम है, चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सब निभा भी रहे हैं, अल्लाह सबको आसानियां दे, सेहत दे। ये लाल बिल्डिंग बड़ी प्यारी थी, और इसके साथ है एक गवर्नमेंट स्कूल, ये भी बहुत पुराना है लाहौर का। यहाँ से हम चलते चलते थोड़ी देर में नादरा ऑफिस पहुँच जाएंगे, आईडी कार्ड के ऑफिस। मोहम्मद इधर राइट साइड पे जाना है, यहाँ राइट साइड पे। फकीम भाई की बारी नहीं है, आपकी और हमारी बारी है, तो ये हम ये मिला हमें टिकट का नंबर 2793। शू बहुत ज़्यादा नंबर था, लेकिन जल्दी बारी आ गई और हमें, मुझे और मोहम्मद को एक साइड पे भेज दिया, क्या गाड़ी अपने बाबा के साथ दूसरी साइड पे थी, मोहम्मद को इस तरफ भेजा गया जहाँ पे मजदूर लोगों की, स्पेशल लोगों की आईडी कार्ड्स बनते हैं। लेकिन समहाउ ये भाई ने एक्सेप्ट नहीं किया, मोहम्मद को मजदूर कंसिडर नहीं किया स्पेशल, उन्होंने कहा कि जहाँ पर नॉर्मल लोगों का बन रहा है, जहाँ इसकी बहन का बन रहा है, वहीं इसका आईडी कार्ड बनेगा। तो हम फिर वापस उसी कैबिन नंबर 40 पे गए, और वहाँ पे भाई ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, और मोहम्मद का आईडी कार्ड वादिया के बाद इसके फिंगरप्रिंट्स लगाए और आईडी कार्ड के सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाया। एक बहुत प्यारा इंसिडेंट हुआ है, वेटिंग में हम बैठे थे तो मोहम्मद की नज़र पड़ी ये साहब जनाब हमद अली खान सिंगर पर, और मोहम्मद कहते कि तो वो हैं जो गाना गाते हैं टीवी पे, और वैसे तो वो बिजी थे, ये इनका हेल्पर था साथ 80 नंबर, तो वो लेकिन उन्होंने देख लिया था हमें, हम वीडियो बना रहे हैं। तो फिर वो मोहम्मद के पास आए और मोहम्मद से बहुत सी बातें की, बड़ी हम्बल शख्सियत के मालिक हमारे पाकिस्तान के मायानाज गज़ल और गाने वाले अहमद अली खान साहब ने मोहम्मद से बातें की। मैंने वो वीडियो कैप्चर नहीं की क्योंकि मुनासिब नहीं लग रहा था, तो बहुत मज़ा आया। उन्होंने मोहम्मद से कहा कि मेरे लिए दुआ करो आप, तो काफ़ी देर बातचीत होती थी। तो ये हमारा आज का स्पेशल इंसिडेंट था, कोइंसिडेंस, तो इसको आप भी इंजॉय करें, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इतना रश था कि मुझे लग रही थी गर्मी, और मैं सोच रही थी चिलर लगे हुए हैं, ये देखो 20 स्पीड पे
लेकिन सराउंडिंग में इतना रश था कि फिर भी गर्मी, ओह बहुत बुरा हाल हो रहा था। ये हो गई हम सब की एग्जिट मोहम्मद और गाड़ी आगे जा रहे हैं, दरमियान में एक और पर्सन आ गए भाई, हमारे रिक्शे वाले भाई हमारा वेट कर रहे थे, जो हमारे इलाके मरगे के सामने से हमारे साथ गए थे। माशाल्लाह इधर बहुत से लोग जिनको अल्लाह ताला ने मोहब्बत दिल में डाली हो हेल्पफुल हैं, वो रिक्शे वाले भाई रेड शर्ट वाले हमारे भाई रंगीला रिक्शे पे बैठ गए रंगीन मेदार और हम वापसी के लिए चल पड़े। डिग्री मिल गई ये है जनाब गढ़ी चौक का पुल, इतना खूबसूरत बना हुआ कल्चरल रिच कल्चरल, इसके नीचे ब्रिज के नीचे लाहौर ट्रेन्स को रिपेयर किया जाता है, उनकी रिपेयर शॉप है और रेलवे क्वार्टर्स हैं मुलाजमीन के लिए। फिर उसके बाद मैंने घर आके फटाफट बनाई कड़ी पकोड़े, जो कुछ घर में था उससे मैंने बनाया कड़ी पकौड़ा और शाम को अम्मी को खिलाने के लिए लेके गई। अम्मी ने गरम गरम कड़ी पकौड़ा खाए और कहा ये तो बहुत मज़े की है। अम्मी ने कहा थोड़ा सा खा के, फिर अम्मा ने कहा कि मैं ठहर के खाऊंगी, रख दे बेटे का इंतज़ार करती है, माशाल्लाह शॉप से आए तो मिल के खाएं। मेरी खुशी के लिए उन्होंने कुछ खा लिया था। माँ सलामत रहे, आप सबको दुआएं लगें, बुज़ुर्गों की अपने अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करें, जिससे सिवाय फ़ायदे के और कुछ नहीं मिलेगा। आपको कामयाब होना है तो अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें और अल्लाह हाफिज़।